हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.7। आगे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4, 5 करवा दी है और अब हम 4.7 का भी एक क्वेश्चन करवा दिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का था और ये डिविडेंड फाइंड करने का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करने का, हमें डिवाइजर दिया है, क्वाटेंट दिया है एंड रिमाइंडर दिया है। इस पे से हमें डिविडेंड को फाइंड करने का है। तो इसके लिए हमें क्या करने का है, सबसे पहले क्वाटेंट और डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करने का है और फिर जो आंसर आए उसमें जो रिमाइंडर दिया है वो प्लस कर देने का है। तो यहाँ पे 20,631 वो क्या है, क्वाटेंट है और डिवाइजर क्या है 273। तो यहाँ मैंने आपको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस पर जो रिमाइंडर है वो प्लस करना पड़ेगा। तो मैं आपके जानते हो कि अब सबसे पहले 3 डिजिट है, तो सबसे पहले फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हम 3 1 3, 3 3 9, 6 3 18 का 18 क्योंकि पास में 0 है और 2 3 6 ये हो गया फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई हो गया। आप सेकंड डिजिट करेंगे 7 1 7। पहले सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करने का है, उसके आगे 0 रख देने का है और फिर 7, फिर 2 डिजिट हमें मल्टीप्लाई करने का है। तो 7 1 7, 3 7 21 का 1 आएगा, बाद ऊपर जाएगा 2 और 6 7 42 प्लस 2 करेंगे तो 44 आएगा। 44 का 44 रख देना क्योंकि पास में 0 है इसके बाद 6 के बाद में। तो अभी 2 7 40 तो हो गई सेकंड लाइन फिनिश। अब हम थर्ड लाइन करेंगे। थर्ड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रहे, जब थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करने का है तो सबसे पहले क्या करने का, 20 आगे रख देने का है। अब 1 है तो 2 1 2 आएगा, 3 2 6 आएगा, 6 2 12, तो 12 का 12 रख देना क्योंकि मैंने बोला आगे 6 के पहले 0 है इसीलिए 2 2 4। अब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो 3 फिर 9 प्लस 7 करे तो 16 आएगा और 8 प्लस 2 तो 10 और 2 12, फिर आएगा 6, 4 प्लस 5 6 एंड 6 6 12, ऊपर आएगा 1 और यहाँ पे 6 10 1 एंड 2 तो 13, ऊपर आएगा ये तो 4 5 6 और ऊपर 1 और 1 प्लस 4 तो 5। ये हो गया हमारा आंसर 5 3 3 3 2 2 2 6 3 56,000 56,32,262 प्लस हमें करने का है डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या करने पड़ेगा, रिमाइंडर दिया है वो हमें इसमें प्लस करने का है। याद रहे प्लस अच्छी तरह से करने का, एक डिजिट के नीचे ही दूसरा डिजिट आना चाहिए नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस 107 कर दिया तो आपको दिखाता है कि आंसर आ गया है 56,32,370। ये हो गया आंसर। ऐसे हम सम नंबर 2 करेंगे। इसकी भी वही फॉर्मूला है कि डिविडेंड को फाइंड करना है हमें, तो पहले क्या करने का है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वाटेंट है 6,352 मल्टीप्लाई 36। जैसे मैंने आगे दिखा है ऐसे ही आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने का है फर्स्ट फिगर से। यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो 1 डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे 6 और 2, तो 12 का 2 ऊपर जाएगा 1, फिर आएगा 5 6 30 प्लस 1 तो 31 का 1 हो जाएगा 3, 6 3 3 6 18
तो 18 प्लस 3 करेंगे तो 11, 11 का 1 ऊपर गया 1, 3 3 जा 36 ऊपर प्लस 2 तो 38। अब आएगा दूसरा डिजिट 3, तो 2 पहले, हाँ, दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करने का है, आगे 0 रखने का है। अभी 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 का 5, 3 3 जा 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 का 0 ऊपर गया 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 तो 19। अभी नीचे आ गया आंसर 2,28,672। उसको हमें क्या करने का है, रिमाइंडर प्लस करने का है। ऐसे जैसे मैंने प्लस करके दिखा ऐसे एक फिगर के नीचे ही दूसरा फिगर रखने का है और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2,28,692। ऐसे हम सम नंबर करेंगे 3। अब तो आपको मालूम पड़ गया कि कैसे करने का है। तो यहाँ पे आएगा क्वार्टर है 9,857 मल्टीप्लाई 763। देखो यहाँ पे 3 डिजिट है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करने का है, फर्स्ट डिजिट पे डिवाइड करने का है, सेकंड से जब डिवाइड करो तो 10 रखने का है, 3 डिजिट से डिवाइड करो तो कितने 0, 20 रखने के हैं। 7 3 21 का 1 आएगा ऊपर जाएगा 2, 5 3 15 प्लस 2 तो 17 ऊपर गया 1, 8 3 24 तो आ गया 5, उसमें प्लस करेंगे 1 तो 9 3 27 प्लस 2 तो क्या हो गया 29। ऐसे 2 और 3 डिजिट को भी आपको करना है। 2 डिजिट में क्या रखने का है, आगे पहले 0, फिर 6 और 7 और 7 6 आप 42 आएगा, 42 का 2 आएगा ऊपर जाएगा 4, 5 6 आ 30 प्लस 4 तो 34 हो जाएगा, 56 8 6 आ 48 इसमें 5 कर तो 51 आएगा 1 और 5 से 9 6 में करोगे 54 में 5 तो 59। ऐसे हमें थर्ड डिजिट भी करने का है और इसमें आएगा सबसे पहले क्या लिखने का है, थर्ड डिजिट में मल्टीप्लाई करने से पहले 20 लिखने का है तो 7 7 7 49 आएगा। ऐसे जैसे मैंने आगे आपको दिखाया है तो इसका आंसर क्या आया है, सेवन फाइव टू जीरो एट नाइन वन आंसर आया है। तो यहाँ पे जो देखो फिर उसको हमें क्या करने का है, प्लस करने का है, क्या है रिमाइंडर 1,193। तो मैं एक फिगर के नीचे एक फिगर बराबर लिखने का है, नहीं तो ये प्लस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे है 153 तो 4 9 9 18 ऊपर आया 1 तो 9 प्लस 1 तो 10 और ऊपर 0 की जगह पे 1 आ गया, इससे आ गया हमारा 2 का 2 5 का 5 7 का 7। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। अब आंसर नंबर सम नंबर है 4, मैंने सब आपको ऊपर करके दिखा ऐसे ही आपको करने का है। और ये 4 है वो मैंने कैसे ऐसे भी लिखा जाता है तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि डिविडेंड है 187 मल्टीप्लाई डिविजर तो क्या आएगा, डिविडेंड इक्वल डिविजर मल्टीप्लाई क्वार्टर। तो यहाँ पे डिवाइजर है 187 क्वार्टर है 3078 प्लस और रिमाइंडर है 67। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.7। आगे फिर